Hello friends, you are most welcome to my channel Paradise Computer. In this video I will show you how to make a family tree in Microsoft Office Word 2007. दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि Microsoft Office Word में कैसे फैमिली ट्री बनाते हैं। इस वीडियो में जानने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अपने कंप्यूटर या सिस्टम है क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोलना है। मैंने इसे खोल के रखा है। इसको खोलने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू में आना है। इंसर्ट मेन्यू में आते ही दोस्तों एक ऑप्शन दिखेगा स्मार्ट आर्ट का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा फोर्थ नंबर में आर्ट बाई का, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसमें बहुत सारा फैमिली ट्री का डिजाइन दिखेगा, तो मैं सेकेंड वाला ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने का क्या करना है, सिंपली ओके पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते दोस्तों ये फैमिली ट्री का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे यहाँ टेक्स्ट देखे है कि टेक्स्ट में दो हैंड दिया हुआ है, इसके नीचे दो है, ठीक है। फिर ये सेकेंड टेक्स्ट में देख रहे हैं, इसके नीचे दो, इस टेक्स्ट के नीचे, इसके नीचे एक है। हम चाहते हैं इसके इसमें दो हैंड होना चाहिए, इसके बाद एक और होना चाहिए। तो क्या करना है, इस बॉक्स पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने का दोस्तों यहाँ एड शेप, और एड शेप पे करने का यहाँ आफ्टर पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे ये दो हैंड बन गए। और हम चाहते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिया किसी का नाम लेता, तो मान लेता हूँ मैं रमेश ले लेता हूँ। ये रमेश हो गया, रमेश का दो बेटा है, तो मैं चलिए यहाँ से दो बेटा का नाम दे लेता हूँ। चलिए इस नाम दे दिया, एक सुशील दे दिया, एक अनिल दे दिया, ठीक है। हम चाहते हैं अनिल के दो बेटा का नाम है, तो अनिल के दो बेटा का नाम दे देते, जैसे मान लिया मोहन, मोहन एक का नाम हो गया सोम, ठीक है। और मान लिया सुशील का दो बेटा है, तो इसका नाम है वो अमित, एक का नाम है सुमित, तो मैंने सुमित दे दिया, ठीक है। अगर आप चाहते इसके नीचे कुछ बढ़ाना, मान लिया कि मैंने अमित का दो बेटा है या तीन बेटा है, इसके नीचे आप क्या कर रहे, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से एड स्टेप पे आने के बाद एफ यहाँ से बिलो कर देंगे, यहाँ एक बिलो हो गया। अब इसके नीचे बाल में तीन दो जोड़ना हो तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और एड शेप पर आने के बाद यहाँ से आफ्टर कर देंगे। फिर यहाँ से एक राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से एड शेप पर आती है एड आफ्टर कर देंगे, यानी इसके नीचे तीन बन गए। मान लिया अमित के तीन के बेटा है, एक का नाम है राजा, एक का नाम है राजू और एक का नाम है संदीप। यानी इस तरह से हम फैमिली ट्री बना सकते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अब जैसे मैंने देख लिया, बना लिया ये फैमिली ट्री, हम चाहते हैं इसका कलर चेंज अगर करना है, अगर कलर चेंज करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का क्या करना है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने का दोस्तों यहाँ पे चेंज कलर का ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ से जो भी कलर आपको लेना है वो कलर आप ले सकते हैं। चलिए मैं ये कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये हमारा फैमिली ट्री का कलर चेंज हो गया। अगर आप चाहते हैं इसका कुछ लेआउट चेंज करें, स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ से कुछ लेआउट स्टाइल आप इसका हम चेंज कर सकते हैं, जैसे यहाँ आपको शो कर रहा है, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।